मेरा नाम चंदन सिंह है, मैं कैमूर के चैनपुर के रहने वाला हूँ। जो कि आज हम बात करेंगे मुकेश बाबा, जो कि सिकंदरपुर के हैं और शीतला माता के जो कि पुजारी हैं, और वो उनके बारे में, वो क्यों अभी फिलहाल वो कहाँ पे हैं और कहाँ पे उनका दरबार चल रहा है, शिविर चल रहा है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और उसी पे चर्चा करेंगे। क्योंकि वो अपना दरबार बहुत दिनों से, कई सालों से जो कि सिकंदरपुर में चला रहे थे, अब उनका जो भी दरबार है वो अभी चला गया है बनारस में। तो इसका कारण क्या था, रीजन क्या था और कहाँ पे है बनारस में, इसके बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल में और बात करेंगे। जो कि अभी वो बनारस में रह रहे हैं, तो कारण क्या था कि वो सिकंदरपुर को छोड़कर और बनारस में जाना पड़ा। सबसे बड़ा कारण ये था कि वो कई सालों से अपना शिविर चला रहे, दरबार चला रहे थे, तो वो यहाँ पे सिकंदरपुर में देख रहे थे और शुरुआत में जितने भी श्रद्धालु वहाँ पे आ रहे थे और कई तरह के वो चीज़ों को देखते हैं, झाड़ फूँक करते हैं और कई तरह के बीमारियों को का इलाज करते हैं, वो मतलब इलाज क्या करते हैं वो देखते हैं, झाड़ते फूँकते हैं, तो उन सभी चीज़ों को लेकर धीरे धीरे श्रद्धालुओं का और लोगों का विश्वास बढ़ता गया। धीरे धीरे करके विश्वास बढ़ने के कारण उनके यहाँ पहले बहुत कम मात्रा में भीड़ लगता था, तो वहाँ पे सिकंदरपुर में चल जाता था, वहाँ पे उनके घर में उस चीज़ें को देख लेते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, 2 साल 4 साल, तो धीरे धीरे करके इतना ज़्यादा मात्रा में श्रद्धालु आने लगे उनके पास कि उनको वहाँ पे जगह नहीं रह पाता था कि वो कैसे सारे लोगों को एडजस्ट करें, कैसे उन लोगों को वहाँ पे सही तरह कैसे सेगमेंट कर पाए। और वहाँ पे पुलिस प्रशासन हमेशा जाता रहता था क्योंकि इतना पब्लिक के गैदरिंग होने के कारण, भीड़ होने के कारण वहाँ पे सही से पब्लिक को जगह नहीं मिल पाता था वहाँ पे रहने के लिए, वहाँ तक उनको, उनके तक पहुँचने के लिए कई तरह के मुसीबत का सामना करना पड़ता था। तो ज़्यादा श्रद्धालु होने के कारण पुलिस प्रशासन उतना भीड़ देखते हुए वो वहाँ पे बाबा को मना कर दिया। सिकंदरपुर में जो बैठते थे तो वहाँ से बाबा डिसाइड किए कई दिन अपना, 8 से 10 दिन अपना दरबार को बंद किए थे, और वहाँ से दरबार को बंद करने के बाद फिर उसके बाद वो अपना दरबार मतलब डिसाइड किए और उनको एक जगह मिला जो कि बनारस के पास है, बनारस के पास पड़ाव के आसपास में है, जो कि वहाँ पे एक मठ है, वहाँ पे जगह मिला कि वहीं पे हम देखेंगे अपने श्रद्धालुओं को, अपने जनता को। लेकिन अभी भी उनका दरबार नहीं खुल रहा है क्योंकि 1/8/2022 से वो अपना दरबार को खोलने वाले थे, तो वो दरबार को अभी खोले तो थे लेकिन इतना ज़्यादा श्रद्धालु आने के कारण वो अभी दरबार को बंद किए हुए हैं। अभी दरबार बंद है क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस, वहाँ के भी प्रशासन उन पब्लिक को इकट्ठा होते देखकर वो अनसिक्योर फील कर रहा है, कैसे उन सभी का मैनेजमेंट किया जाए, कैसे उसको सेपरेट किया जाए, कैसे उसको सही ढंग से उसको बनाया जाए, तो उन सभी चीज़ों में जुटी हुई है। इसके वजह से वहाँ का जो दरबार अभी बंद है, बंद चल रहा है। तो जितने भी उनके श्रद्धालु, क्योंकि हमारे देश के हर एक कोने से श्रद्धालु आते हैं, उनके यहाँ तक आते हैं, तो उन सारे लोगों को कोई भी प्रॉब्लम और दिक्कत ना हो, सही समय पे बाबा जब वो अपना दरबार लगाए वो बैठे तभी वो आए, जितने भी श्रद्धालु हैं, क्योंकि उनको परेशानी होगा, उतने दूर से आते हैं और उनका जो भी काम रहता है वो सफल नहीं हो पाता है, वो पूरा नहीं हो पाता है, तो उनको कई तरह की दिक्कतें होती हैं क्योंकि उतना दूर से आना, सारे चीज़ों को, हर चीज़ को छोड़ते हुए। तो अगर बाबा से आप ना मिले तो आपका आना असफल है, इसलिए आप लोग जरूर जब भी आए तो पता लगा कर आए और कंफर्म पता लगा कर आए कि बाबा का अभी दरबार चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो उसके बारे में बहुत बढ़िया से पता लगा लें, सही तरीका से उस चीज़ को जान लें, बुझ लें। और आप लोगों को अगर इसी तरह का वीडियो अगर चाहिए और आप लोगों को बाबा का हर एक अपडेट चाहिए, तो आप लोग ज़रूर हमसे इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें और कनेक्ट रहें और सब्सक्राइब करें ताकि आपके यहाँ वीडियो बहुत जल्द मात्रा में बहुत जल्दी पहुँच सके। और हम जो कि हैं बाबा के गाँव से 8-10 किलोमीटर